हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। हम लोग ने इससे पिछले लेक्चर में बहुपद पढ़े हैं, बहुपद के शून्यक पढ़े हैं, जिसमें एक चर वाले रैखिकीय समीकरण था। अभी हम अगर उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है बहुपद क्लास 10 चैप्टर 2 में बहुपद के शून्यक। तो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में भी हैं, आप देख सकते हैं। तो x पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि 0 ही रखना है, क्योंकि शून्यक हम ज्ञात कर रहे हैं। तो अब लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब किसी संख्या को ये जो होता है, ये अगर इसके पीछे भी कुछ है तो उसको गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड करेंगे, ये चर जो है, चर का गुणनखंड करना है। तो 2 से दीजिए, 2 3 6, 2 और 3। इस 2 और 3, 6 बराबर 2 और 3, इसका गुणनखंड आया, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये समझना बहुत ही टफ लगता है शुरू में, लेकिन ये समझ जाइएगा कॉन्सेप्ट तो पूरा ही इसके बहुपद का जितना सवाल है सारा, आप कभी भी, अभी नहीं, 10th 11th 12th फिजिक्स भी पढ़िएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एक्स वगैरह का मान निकालना रहता है। तो इसे पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आगे का सोच के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें चर जो होता है, चर का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों को याद नहीं रहे तो, चर का गुणनखंड करेंगे। फिर देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड आया उसे जोड़ने या घटाने से बीच की संख्या प्राप्त होती है। हमेशा उसको जोड़ने या घटाने से बीच की संख्या प्राप्त होगी ही होगी, ये सत्य है। तो इसका क्या आया, 3 और 2। अब देखिए, 3 और 2 को जोड़िए तो 5 आता है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो 5 के लिए हम इसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आप लोग नोट बुक जिसमें लिख रहे होंगे इसके लेफ्ट साइड में ऐसे करके बना करके लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए, अब 2 हम क्यों पहले लिखे, 3 क्यों बाद में लिखे, इसमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि 3 पहले लिखे या 2 पहले लिखे। तो ये दोनों प्लस में ही है, इसलिए हम ऐसे लिखे। नहीं तो आप लोग जब माइनस वगैरह का खेल रहता है, माइनस माइनस प्लस इस टाइप का, जो हम आगे जब सवाल करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, तो फिर वो आगे पीछे हो सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन में ये इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए, x x दोनों में है तो क्या होगा, x हम कॉमा ले सकते हैं। तो अगर x कॉमा ले लेंगे तो, x अगर कॉमा ले लेंगे तो x प्लस 2, क्योंकि ये x स्क्वायर है, इसमें से एक ले लिए तो कितना बचा, x। इसमें से एक ले लिए तो इसके पास तो x एक ही था, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, 2। अब ये करने के बाद आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आता है वही कि नहीं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x x को किए तो x स्क्वायर हो गया, अब प्लस x और 2x का किए तो 2x आ गया। तो ये आ गया ना इसको मल्टीप्लाई करने पर, तो ये जो है वो, अब देखिए एक्स कॉमा ले लिए, एक्स प्लस 2, अब प्लस
इसमें छः है और तीन है, तीन दुनी छः और तीन, तो तीन इसमें कॉमा आ सकता है। कॉमा लेना तो आप लोग पिछले कक्षा से सीखे हुए हैं, उसे तो बताने की ज़रूरत नहीं। अब दो संख्या रहती है, बारह और आठ है, बारह और चार है, आठ नहीं, या चार या बारह है। तो इस दोनों में देख रहे हैं कि चार कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस थ्री हो गया। अब इसको देखिए, चार एकान चार और चार दिया बारह, तो बारह आ गया, चार प्लस बारह आ गया, गुणा करने पर। तो कॉमन हम वो वर्ड ले सकते किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब देखिए क्या बच गया इसके पास, x, और इसके पास क्या हो गया, दो इक्वल टू जीरो। अब एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा, अगर ये और ये अगर सेम नहीं है तो ज़रूर कहीं ना कहीं गलती हुआ है। जैसे देखिए x प्लस टू है और x प्लस टू है, अगर दोनों चीज़ सेम नहीं है दोनों जगह, तो आपने क्वेश्चन बनाने में कहीं ना कहीं गलती किया है, मिस्टेक किया है, तो आप उसको फिर से चेक कर लें। और अगर इस टाइप का नहीं आता है, आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप क्वेश्चन को फिर से बनाएं, क्योंकि इसका यही नियम है कि ये दोनों सेम ही आएगा किसी भी सिचुएशन में। अब देख लीजिए, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, इस टाइम दोनों सेम आएगा, तो आप दोनों का गुणा कीजिए, तीन दुनी छः आ जा रहा है, x x का x स्क्वायर आ रहा है, 2x आ रहा है, तो ये 3। और जब आप उसके बाद निकालिएगा, जब हम उसके बाद निकालेंगे, तो याद रहे कि हमेशा जो कॉमन लिए हुए हैं सेकेंड में, सेकेंड पद को जब हम इसको जब हम कर रहे हैं सॉल्व, तो उसमें जो कॉमन लिए हुए हैं वो वर्ड्स हमेशा लास्ट में आएगा, कि ये वही वर्ड्स होगा जो हम इसमें कॉमन लिए हैं, वही संख्या ये होगी हमेशा, ऑलवेज ये संख्या जो होगी वही होगी। अब देखिए x प्लस टू इक्वल टू, अब इसके बराबर जीरो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो तथा x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x बराबर क्या हुआ यहाँ, टू तथा, तो चलिए जैसे हम समझ गए, x बराबर माइनस टू और वो तथा y बराबर माइनस थ्री हुआ। अब हम इसके आगे चलते हैं, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, अब ये क्या होता है, जैसे p x इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ तो x दिया हुआ है, तो इसको इसको हम y मान लेंगे, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री को हम y मान लेंगे। अब x
बटे वाई, अब बोलिएगा कि ये कैसे हुआ। एक्स चर के पास जितना मान है उसको वर्ग कर दें, तो एक्स चर के पास मान क्या है, टू माइनस टू, टू प्लस टू और माइनस टू, माइनस टू तो टू हो गया। तो यहाँ आप लोग नोट में लिख लीजिए, एक्स चर के पास जितना मान है उसको वर्ग कर दें। अब x x स्क्वायर हो जाता है, वर्ग करेंगे तो 2x गुणे 2x हो गया 4x का एक का वर्ग कर दें, और रुपयों को जोड़ दे और उसमें से 8 को घटा दे, अब x बराबर हम क्या मान लिए हैं, इसको हम y मान लिए हैं, तो x क्या बचा हमारे पास, माइनस टू हो गया। अब माइनस टू और थ्री कितना हो गया, माइनस 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 हो गया फाइव, माया तो y बराबर आ गया माइनस फाइव। x बराबर थ्री माइनस टू इक्वल टू वन, और y बराबर क्या हुआ, 3 प्लस टू इक्वल टू फाइव। तो ये हो गया मान, तो y बराबर 2x प्लस 100। अगर ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो 2x प्लस 100। अब क्या है p, इधर देखिए p x इक्वल टू एंड q x, p x बराबर a n पावर जीरो प्लस a प्लस x प्लस a x टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू प्लस ए क्यू, ए क्यू एक्स टू डी पावर एन, ए क्यू एक्स माइनस एन माइनस थ्री इक्वल प्लस ए एन। जहाँ ए एन इक्वल कॉमा ए कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, ये सवाल है, इक्वल टू ए एन, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ए एन अचर संख्या है, अचर संख्या इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं,
अचर संख्या है। अब हम लोग इसमें ये देखे हैं, एक्चुअली मेन बहुपद इसी टाइप का होता है, ये जो है बहुपद इसी टाइप का होता है, ये ओरिजिनल बहुपद हुआ। एन का घात धनात्मक पूर्णांक होगी। अब यहाँ देखिए n माइनस टू, n में n का घात कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होगी, तब n माइनस वन n माइनस टू है। और बहुपद होने के लिए लिए x का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 7x² + 9 एक्स घात 0 = 1 जो घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात होगी। वही बहुपद की अब इसमें हमको देखना है कि किसकी घात सबसे बड़ी है, तो स्वाभाविक है कि इसकी घात सबसे बड़ी है, इसकी घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद होगा। तो ए एन की घात, ए एन की घात सबसे बड़ी है। तो अभी हम लोग घात और बहुपद पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संख्या को ज्यामितीय तरीके से निरूपण करना और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ग्राफीय विधि से उसको पूरा सॉल्व करके और ग्राफीय निरूपण करेंगे, उसके बाद हमारा बहुपद वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम थर्ड चैप्टर में एंट्री करेंगे। देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब।